और ये वही वाली दुकान है जहाँ पे नाजिम वसीम वीडियो बनाते हैं राउंड टू हेल के, देखा होगा तुम लोगों ने, और पीयूष चावला का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। पीयूष चावला भी यहीं खेलता था, इसी ग्राउंड पे खेलता था वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई साहब, आज ईद का तीसरा दिन है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट मैच खेलने, क्योंकि आज सीरीज का फाइनल मैच है। भाई साहब, जीतना बहुत जरूरी है, चल के देखते हैं क्या होता है आज। फिलहाल तो यार पूरी खाने का दिल चाह रहा है, बड़ी भूख लग रही है। कब मिलेंगी मिट्टी भाई पूरी? चलो देखते हैं आगे चल के क्या हिसाब है यार। Certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. कैसा मौसम हो रहा है भाई? देख रहा हूँ मौसम, मजा आ जाएगा यार। कोई भी तो नहीं है बिल्कुल, मतलब यहाँ पे लेदर के मैच होते हैं और हम ही लोग हैं, बस सिंगल ग्राउंड हो रहा है इस टाइम, क्योंकि मंडे है ना आज और ईद का तीसरा दिन है तो लोगों की छुट्टी है, तो हम लोग आ गए आज मैच खेलने। और हाँ, रास्ते में अब पूरी तो मिली नहीं, अब देखते हैं क्या करना है। कैचिंग प्रैक्टिस चल रही है अभी वहाँ पे। अभी मैं और बिट्टू भाई जा रहे हैं देखने कुछ मिल जाए खाने का यार, थोड़ी हल्की हल्की भूख लग रही थी। ये तो फिलहाल देखो एक ठेला सा दिख रहा है सामने, तुम्हें अगर दिख रहा हो तो वो देखते हैं चल के क्या मिल रहा है वहाँ पे। चाय बीड़ी मिलती, वो चाय भी नहीं मिलती, चाय बीड़ी चाय बीड़ी वहाँ पे गुटके सुटके मिलते हैं इतना तो पता मुझे। क्यों कंचन वाले को पहुंचे तीन बजे का सोच रहे हैं मैं उसके खा लूं तो वो रास्ता बनता। तुम जो कह रहे थे वो जो पुल वाला था, और पीयूष चावला का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पीयूष चावला भी यहीं खेलता था, इसी ग्राउंड पे खेलता था वो। भाई साहब तो लग रही है दुकान, और ये वही वाली दुकान है जहाँ पे नाजिम वसीम वीडियो बनाते हैं राउंड टू हेल के, देखा होगा तुम लोगों ने, ये वही बुद्धि भी आ रहे हैं। चिप्स ले लो, थोड़ी जल्दी आ गया मैं। चिप्स बिस्कुट है क्या यार? देखियो इनके पास टाइगर क्रंच है। अभी लगाने गए, अभी तो खड़े हैं हम, कौन तो जा रहा है और क्या, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। ये ले चिप्पी का पल्स का, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? पीनट मैच खेले हुए यार, 2 महीने हो गए, रमजान से पहले खेला था। रिंग वाइज तो खैर खेल ही रहे थे ना, इनको 1 महीना हो गया रमजान से, थोड़े दिन पहले खेल रहे थे, लेकिन मुझे तो 2 महीने हो गए। आज देखो क्या होता, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी घर पे, बाकी देखते हैं।
और तुम्हें बॉलिंग कराऊं थोड़ी सी, चल जाओ। सब के सब तो आ गए, देखो पिच डिसाइड हो रही है अभी। चलो भाई पुल पे चलो थोड़ा सा। अभी हम 30 मिनट के बाद वापस आए हैं दुकान पर, देखो दुकान सही से लग चुकी है और बन रही है यहाँ पे चाय। चाय का दिल चाह रहा था, अब चाय बनवा रहे हैं। कौन रो रहा है? और मैच भी शुरू हो गया, पहले बैटिंग आई अपनी। देखो उधर मैच चल रहा है, इधर चाय पीना है। ग्राउंड में देखो दर्शक दिख रहा हूँ तुम्हें। और अपनी चाय बन गई इस टाइम। बिट्टू भाई कैसा लग रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था पूरे नहीं मिलेगा इनके। अभी चलेंगे इंटरवल में चलेंगे पूरी लेने, फिलहाल तो चाय का मजा लेंगे। अभी चाय बड़ी हो रही है यार, तेज पत्ती की। ये वाले बिस्कुट जो है ना थोड़े मीठे हैं ज्यादा। चाय अच्छी हो रही है। ये अच्छे लग रहे हैं जीरे वाले देखने में। ये सही है, कम मीठे के बिल्कुल। भाई साहब पेट बिल्कुल फुल हो गया, नाश्ता हो गया सुबह का अपना। वो देखो रिंकू भाई कर रहे हैं फील्डिंग, क्योंकि आज रिंकू भाई हमारे अपोनेंट टीम में खेल रहे हैं। बताओ यार अपनी साइड होना चाहिए था, सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं रिंकू भाई। भाई साहब ईद के तीसरे दिन मैच खेल कर तो आ गए, और आज जो वेदर हो रहा है ना उसकी वजह से भाई साहब बिल्कुल भी थकन नहीं हुई। इतना अच्छा वेदर हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा, और क्रिकेट का तो अलग ही मजा आता है भाई ऐसे मौसम में। और उस मौसम की वजह से बिल्कुल भी मतलब थकन तो हुई नहीं। अगर आज धूप निकल रही होती भाई साहब बहुत ज़्यादा थकन हो जाती, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आ गया मैच में। और पूरी तो मिली नहीं यार रास्ते में, पता नहीं बंद क्यों था सब कुछ। हम गए देखा कुछ था ही नहीं आज, पता नहीं, बट चिप्स वगैरह से काम हो गया। चाय भी बहुत अच्छी थी, उससे थोड़ा सहारा हुआ। फिर मैच वगैरह खेला। मैच में भाई साहब पहले हमने बैटिंग करी, हम लोगों ने 15 ओवर में ना 130 रन बनाए, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बैटिंग हुई। हाँ मुझे लास्ट ओवर में बैटिंग मिली, क्योंकि कोई विकेट ही नहीं गिरा था अपना, बहुत अच्छी बैटिंग चल रही थी, ओपनिंग भी बहुत अच्छी चली, लेकिन विकेट कोई नहीं गिरा, तो इस वजह से उन लोगों ने सारे ओवर खेल लिए। फिर लास्ट ओवर में गया मैं थोड़ा बहुत सही खेल लिया, और उसके बाद जब अपनी बॉलिंग आई ना हमने उनको 100 रन से पहले ऑल आउट कर दिया। मुझे 2 विकेट मिले, 3 मिल सकते थे यार, लेकिन उसने कैच छोड़ दी। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई अल्लाह के शुक्र से भाई साहब, मज़ा आ गया बॉलिंग में। ऐसे मौसम में ना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, क्योंकि यार मज़ा आ रहा होता है। और धूप में अब तुम बॉलिंग या क्रिकेट वगैरह खेलोगे तुम लोगों का मन भी नहीं करेगा वैसे धूप वगैरह के थकन हुई थी ना। फिलहाल कुछ भी कहो बॉलिंग भी अच्छी हुई, फाइनली मैच हम लोग बहुत आसानी से जीत गए। और 3 मैचों की सीरीज थी, आज हमने सीरीज जीत ली, मजा आ गया भाई साहब। तो गाइस चलो ब्लॉग को करते हैं बैंड, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।